नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संजेती fashion.com पे। दोस्तों, जैसे कि कल आपने देखा कि ब्लाउज का बॉडी मेजरमेंट कैसे लेते हैं, बॉडी से मेजरमेंट लेने में और जो हम ब्लाउज से मेजरमेंट लेते हैं उसमें कितना अंतर होता है, इसमें सिर्फ 2 इंच का अंतर होता है, ये मैं आपको आज बता रही हूँ। अगर आप ब्लाउज से नाप ले रहे हो तो आपको ब्लाउज का परफेक्ट नाप ही मेजर करना है कटिंग के अंदर। अगर आप बॉडी से नाप लेकर के ब्लाउज बना रहे हो तो आपको सिर्फ प्लस 2 इंच करना है चेस्ट के अंदर। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर अंतर होगा, बॉडी मेजरमेंट से ब्लाउज बनाते हैं या फिर ब्लाउज के नाप से ब्लाउज बनाते हैं। इसके बाद अब मैं आपको आज के इस वीडियो में सबसे पहला साइज यानी जो सबसे छोटा साइज होता है 28 साइज होता है और उसके अंदर भी मैं आपको बिल्कुल से सरल कटिंग के वीडियोस दिखाने वाली हूँ। आपको क्या करना है, उस कटिंग के पूरे वीडियोस को देखना है, उसको फॉलो करना है कटिंग को और उसे देख करके पेपर पे कटिंग करना है। फिर जो भी घर में बहुत सारे वेस्टेज कपड़े होते हैं, ये तो है नहीं कि जो पुराने कपड़े हैं जो वेस्टेज है उनका यूज करना है, तो सबसे पहले उन कपड़ों पे कटिंग करके उस फर्मा कटिंग से फिर वो जो 4 सिलाई है वो करनी है। अगर आपको वो नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस कोर्स के लास्ट में आपको सारी वीडियो की सिलाई करने का तरीका बताया गया कि किस ब्लाउज को आपको कैसे सिलना चाहिए ताकि आपके सारे पार्ट्स परफेक्ट बने। तो मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर काफ़ी सारी, हर वीडियोस में आपको नई जानकारियां मिलेंगी, काफ़ी अच्छे नॉलेज मिलेंगे, तो वो सब आप लगातार पूरे से अच्छे से देखिएगा और आपका जो भी एक्सपीरियंस है ना सारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में सबसे पहले अपना जो ब्लाउज का मेजरमेंट है वो परफेक्टली देख लेते हैं, उसके बाद कटिंग को समझते हैं। आज का जो हमारा चार्ट है वो ये है, 28 साइज चेस्ट का होगा। तो ब्लाउज कटिंग क्लास 1 में सबसे पहले हम बहुत इजी तरीके से कटिंग सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले सीखेंगे सिंपल ब्लाउज और उसके बाद इसी साइज का कटोरी ब्लाउज जो सबसे छोटी साइज होती है, चेस्ट 28 और कमर 25, शोल्डर 12 है और स्लीव 4 और स्लीव के जो बॉटम है वो 10 इंच होंगे। अगर आपने मेजरमेंट चार्ट अच्छे से देखा है कि मेजरमेंट कैसे लिया जाता है और ब्लाउज का नाप क्या होता है और उसके बाद में परफेक्ट मेजरमेंट से हम ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, बॉडी मेजरमेंट में कितना प्लस किया जाता है, इस तरह से अगर आपने नाप को अच्छे से जान लिया तो अब आप सबसे पहले 28 साइज की कटिंग सीखेंगे। 28 चेस्ट के अंदर 25 कमर होगी और शोल्डर हम लेंगे नेक के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम अपने ब्लाउज की लेंथ देखेंगे। देखिए 28 साइज चेस्ट है, जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं उसके अंदर जो बॉडी का मेजरमेंट है वो प्लस है। यहाँ पे सबसे पहले नीचे के लिए 1 इंच छोड़ देंगे, इसके बाद टक्स पॉइंट है 8 इंच, तो यहाँ पे लेंगे प्लस 5, 13 इंच ब्लाउज की लेंथ। 13 इंच ब्लाउज की लेंथ हमें तैयार चाहिए तो हम ले लेते हैं 13 प्लस हाफ इंच। अब यहाँ पे आप देखिए ये है 13 प्लस हाफ इंच। यहाँ पे हम शोल्डर मार्क करेंगे, शोल्डर कितना लेना होगा, अगर नॉर्मल नेक बनाते हैं 5 इंच, अगर डीप नेक बनाते हैं 4.25 इंच, मीडियम नेक बनाते हैं 4.5 इंच, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं मीडियम नेक 4.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गए हमारे शोल्डर। अब हम आपको पॉइंट्स बताते हैं, बैक साइड के लिए नेक की पॉइंट होगी 8 इंच, आरमोल की पॉइंट होगी 5.25 इंच। अब आपको इस तरह से जो स्केल है 5.25 इंच पे इस तरह से पॉइंट लगा दीजिए।
इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे चेस्ट की। यहाँ पे चेस्ट है 28, इसका फोर्थ पार्ट हो गया है 7 इंच। बैक साइड के लिए बिल्कुल बराबर मेजरमेंट रखेंगे। कमर में आते हैं, कमर है 25 इंच। देखिए जो बॉडी मेजरमेंट था उसके अंदर आपको प्लस करना है, ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हो कुछ भी प्लस नहीं करता है, करना है। तो 25 का हो गया है 6.25 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बिग साइड के लिए, ये हो गया 7.25 इंच। यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है, फिर आप जितना मार्जिन रखना चाहते हो वो पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पे भी मार्जिन नीचे और ऊपर बराबर रखेंगे, ये हो गया मार्जिन का पॉइंट। इस पॉइंट्स को हम इस तरह से मिलाएंगे और अब हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये है फिटिंग का पॉइंट, ये है मार्जिन का पॉइंट। अब हमें इसकी गोलाई लगानी है। देखो गोलाई लगाने के लिए मैं काफी चीजें इस तरह की नॉर्मली रखती हूँ जिससे कि हम गोलाई लगा सकते हैं। तो ये है हमारी बैक साइड की गोलाई। बैक साइड की गोलाई के लिए आपको इस तरह का शेप तैयार करना होता है। देखिए हर साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग तैयार करते हैं और वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से आपको तैयार करना है, क्योंकि बैक साइड का जो शेप लगाते हैं वो लगाते हैं इस साइज के अकॉर्डिंग 1/4 इंच का। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 1/4 इंच कंप्लीटली आ गया है। अब यहाँ पे आप नेक ड्रॉ करेंगे, 8 इंच पे कर दीजिए, जितनी भी चौड़ाई रखनी है यहाँ पे हम रख लेते हैं। और इसके बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे, ये है नेक की चौड़ाई, ये टोटल हमारे शोल्डर है, ये हमारी नेक की चौड़ाई है। अब इसको हमें इस तरह से फ्री हैंड से नेक की गोलाई देनी है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसको डीप करते हुए, और नॉर्मल हम नेक की यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। साइज के अकॉर्डिंग हमें इसको ड्रॉ करना है। ये हमारा नेक यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पे आप करोगे जो बैक साइड की जो टक्स लगाते हैं हम, डार्ट लगाते हैं, वो यहाँ पे लगा दी है मैंने 3.25 इंच पे। और इसको आप जो आपका ये नेक है इसके नीचे नीचे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 4.5 इंच पे, ये हो गया है। अब इसकी आपको चौड़ाई डाट के कितनी रखनी है, जितना आपने कमर में एक्स्ट्रा लिया है वो आप यहाँ पे डाट में लगा दीजिए। दोनों साइड पे मैंने 1/2 इंच इस तरफ और 1/2 इंच इस तरफ पॉइंट लगा दिए हैं। अब आप इस तरह से इसको मिला सकते हैं। अगर आप इसी तरह से बार बार से वीडियोज को देख करके और पेपर पे कटिंग करेंगे तो फाइनली आप बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। ये जो बैक साइड है 28 साइज के लिए कंप्लीट हो गई। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद आप इसको कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं। अब हम इस साइज के लिए सादा ब्लाउज 28 साइज की कटिंग सीखेंगे। आगे के पार्ट्स के लिए, बैक साइड के लिए यही पार्ट्स होगा। अगर आप कॉलर ब्लाउज बना रहे हो इसके अंदर आपको शोल्डर 5, 5.5, 6 इंच इस तरह से रखना होगा। जितना भी आपका शोल्डर है, जैसे 12 इंच है तो आपको रखना होगा 6 इंच, परफेक्ट एकदम से। बोट नेक में 6 इंच, ये हो गया है हमारा डीप नेक के अंदर बैक साइड की कटिंग। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह से आपको कटिंग करनी है। अब हम यहां से नेक लाइन को कट कर देते हैं, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, यह है ब्रॉड नेक 28 साइज के लिए, और 40 साइज के लिए यह है मीडियम नेक।
आगे का पार्ट कटिंग करने के लिए ये पेपर है, इसके ऊपर हम रखेंगे ये बेक पार्ट, क्योंकि थोड़ा टाइम कम लगता है इसके अंदर और हमें समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए, फोर टक्स का ब्लाउज बना रहे हो आप, कटोरी का ब्लाउज बना रहे हो या फिर बेल्ट का ब्लाउज बना रहे हो, तो इसके लिए आपको बेक साइड के पार्ट से आगे का जो पार्ट होता है जिसके हम फर्मा कटिंग कर रहे हैं उसको पौन इंच लगभग एक्स्ट्रा लेना होता है। ये है लेंथ के अंदर इसकी एक्स्ट्रा लंबाई, ठीक है। अब हम इसके बिल्कुल बराबर में ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि ये शोल्डर हो गए, तो यहाँ पे हमने शोल्डर को ड्रॉ कर लिया है और इसके बाद में हम आगे के जो शोल्डर है उनकी हम मार्किंग कर लेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बेक साइड के अकॉर्डिंग इसकी बिल्कुल बराबर में ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह से आप स्केल की सहायता से भी इसको मार्क कर सकते हैं। ये हो गया है हमारी मार्किंग। अब हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं नेक की चौड़ाई का और जो बेक का पार्ट है उसको हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमारी नेक की चौड़ाई, नेक हमें कितना चाहिए, नेक हमें चाहिए आगे के लिए 5.5 इंच। ये देखिए, ये है 5.5 इंच नेक की चौड़ाई। यहाँ पे हम आगे का नेक ड्रॉ कर लेते हैं, नेक के नीचे से चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, ठीक है, और इस तरह से आपको नेक को ड्रॉ कर लेना है। फ्री हैंड से करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, बिल्कुल अच्छे से गोलाई आ जाएगी। अब यहां से जब आर्मोल होते हैं ना, उसको थोड़ा अंदर की ओर लिया जाता है आगे के आर्मोल को, तो यहाँ पे आपको एक कव आते हैं मार्केट के अंदर, उनका भी आप यूज कर सकते हो और इस तरह से भी आप इसकी गोलाई दे सकते हो। सिर्फ आपको 1/2 इंच अंदर की ओर देना है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना है। तो ये मैंने इसको 1/2 इंच अंदर की ओर दे दिया है। अब देखिए, इसकी जो चेस्ट मेजरमेंट है बेक साइड से, यहाँ पे लेंगे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा। ये मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा पे पॉइंट लगा दिया है और इसको नीचे के पॉइंट में इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है। अब हम लेंगे टक्स पॉइंट, मेन पॉइंट पे आते हैं। टक्स पॉइंट होता है इस साइज के लिए लगभग 8.5 इंच, 28, 30, 32 में टक्स पॉइंट होता है 8.5 इंच। ये मैंने 8.5 इंच पे एक पॉइंट लगा दिया है, ये आप देख सकते हो इस तरह से, आपको थोड़ा अच्छे से 8.5 इंच पे। इसके बाद आपको इस टक्स पॉइंट को नीचे तक सीधा करना है। यहां से आपको स्टार्ट जो हमारी नेक लाइन है वहां से कितनी दूरी होनी चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए आपको इस साइज के अकॉर्डिंग 3 इंच पे पॉइंट लगाना है। 3 इंच पे पॉइंट लगा करके और ये हो गया 1/2 इंच का। अब इस तरह से आपको सीधा करना है, ठीक है। अब एक पॉइंट को हमें इस तरफ देना है, आप इसको किसी भी तरह से दे सकते हो। एक पॉइंट को आपको इस तरफ से देना है, इसमें आपको 4 डॉट लगानी होती है सिंपल ब्लाउज में, तो ये 3 हो गई है और ये यहाँ पे चौथी हो गई है। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, ये आपका जो सेंटर पॉइंट है यही है टक्स पॉइंट, ठीक है। अब आपको सभी को 1/1 इंच कम कर देना है, 1 इंच यहां से इसको 1 इंच कट किया, यहां से इसको 1 इंच कम किया और यहां से इसको 1 इंच कम किया। अब ये वाला जो टक्स है, मेन टक्स होता है, इसको आपको 1/2 इंच इस तरफ एक पॉइंट लगा दो, 1/2 इंच इस तरफ एक पॉइंट लगा दो। अब इस तरफ में आपको इस तरह से एक टक्स लगानी है, बहुत छोटी साइज का है, सिंपल नॉर्मल ब्लाउज है, सादा ब्लाउज। ये आपकी फर्स्ट टक हो गई है और इसको आपको नीचे तक इसी तरह से सीधा कर देना है, 1 इंच तक आपको नीचे की इसकी चौड़ाई रखनी है, जो आपकी मार्जिन है फोल्डिंग है उसमें। इसके बाद यहां से देखिए, दूसरी जो टक्स में लगा रही हूं, आप इसको भी देखिए मार्जिन साइड में। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमने ये सब जो एक्स्ट्रा लिया है, ये जो एक्स्ट्रा लिया है ये क्यों लिया है। ये जो इतना एक्स्ट्रा है ना, यहां से जैसे ये टक्स लगेगी, इसकी मार्जिन साइड की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, इस तरफ जो टक्स लगेगी यहां से तो ये जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, तो इसलिए यहां से थोड़ी टक्स ले लेते हैं।
योग है दूसरी, और ये बिल्कुल हल्की सी बगल के अंदर जो हम लगाते हैं आरमोल की जो टक्स होती है बिल्कुल हल्की सी, क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर हाफ इंच ही एक्स्ट्रा लिया है, जो चेस्ट के अंदर था चेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया, क्वार्टर इंच की टक्स लगा देते हैं, क्वार्टर इंच इसके अंदर एक्स्ट्रा लेता है, तो टोटल हो गया है हमारा 28 साइज का। और ये ब्लाउज, ये है इसकी मार्जिन की लाइन, तो ये फिटिंग का पॉइंट है, ये मार्जिन का पॉइंट है। अब आप इस आगे की जो हमने ड्रॉ किया है उसको हम कट कर लेते हैं, और उसी को आप कपड़े पे रखेंगे और सीधा कटिंग कर लेंगे, और फिर आप नॉर्मल ब्लाउज सी सकते हैं। सबसे पहले सीखना होता है ये सिंपल ब्लाउज, बिल्कुल सरल और सिंपल, जिसमें कि आपको कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। तो ये हमने यहाँ पे ब्लाउज की जो है वो कटिंग कर ली है 28 साइज के लिए। ये हो गया। अब आप इस पे कट लगा दें, तीन चार जो मोस्टली कट होते हैं, एक जो ये कट हो गया, दूसरा आपका ये कट हो गया यहाँ पे, तीसरा आपका ये कट पॉइंट हो गया यहाँ पे, और चौथा आपका ये कट पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो ये चार आपको टक्स लगानी है और आपका जो ब्लाउज है बिल्कुल से रेडी। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे हम आगे के पार्ट्स को थोड़ा बड़ा कटिंग करते हैं। अब ये देखिए, ये लिया मैंने पेपर और इसको हम डबल कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे बाजू की। बाजू के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे से इसका जो स्पेस है बराबर कर लेते हैं। अब हम इसके यहां से लेंथ देखेंगे, जैसे 4 इंच तैयार करनी है, 4.5 इंच लेंथ पे पॉइंट लगा दीजिए। इसके बाद में आपको 2.5 इंच नीचे एक पॉइंट और लगाना है। यहाँ पे हम लेंगे आरमोल। आरमोल जैसे यहाँ पे 28 साइज के लिए 12 इंच आरमोल है, तो हम क्या करेंगे 6 इंच की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर स्केल से हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये हो गया 6 इंच का। अब आपको क्या करना है, यहां से यहां तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हम बॉटम्स देखेंगे। बॉटम्स है जैसे 9.5 इंच, यहाँ पे कितना किया 4.5 इंच पे। आप ये जरूर देखें नीचे टेप का जो हमारा मेजरमेंट है वो खास तौर से सही से देख लें। इसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये है फिटिंग के पॉइंट। इसके बाद जितना भी हमें मार्जिन लेना होगा वो हम रखेंगे, जितना ब्लाउज में लिया उतना ही यहाँ पे लेंगे। तो ये हो गया 1.5 इंच का हमारा मार्जिन। इस मार्जिन को आपको इसी तरह से लेना होता है कि जिस साइड में जो चीज चल रही है ना उसी साइड में आपको आगे बढ़ाना होता है। ये हो गया मार्जिन कंप्लीटली। अब इसको बिल्कुल यही देखिए, हर बाजू की कटिंग में आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे आप क्या आ गया 6.5 इंच, यहाँ पे हम 3.25 पे एक पॉइंट लगा देते हैं। अब जो ये ऊपर की साइड है यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि ये छोटी साइज है, यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे, बड़ी साइज होती है तो 0.5 इंच ऊपर लगाते हैं। अब यहां से हम इसको गोलाई से ड्रॉ करेंगे देखिए, और फिर इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गई है हमारी बाजू की परफेक्टली सेटिंग। अब हम इसको इस तरह से देखिए कट कर लेते हैं। तो ये हो गई आपकी 28 साइज के लिए बाजू की कटिंग। मिडिल सेंटर पे कट लगाया। अब इसकी आप बार बार कटिंग करें। इसके बाद हम अभी नेक्स्ट के अंदर इसी साइज की जो है वो कटोरी का ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग सीखेंगे, और उसके बाद हम इसकी सिलाई की वीडियोस देखेंगे।
तो ये हो गया है कम्प्लीटली। आप देख सकते हो किस तरह से बहुत ही खूबसूरत का सेप यहाँ पे बाजू का भी आ गया है, ठीक है ना। तो ये सिंगल कटिंग कम्प्लीट हुई। ये है हमारी बिग सेट का पार्ट्स। इसकी हमने आपको 4 टक्स की जो कटिंग है वो बताई है। अब इसी साइज में यानी 28 साइज में ही हम आपको सबसे छोटा जो ब्लाउज होता है यानी कटोरी का ब्लाउज, सबसे जो छोटा साइज है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो बिग साइड आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही बिग साइड होगा उसके अंदर भी। अब हम फ्रंट की आपको कटिंग बता देते हैं और जो बाजू की कटिंग थी वही सेम ही रहेगी जो हमने अभी आपको बताई है। तो इसका फ्रंट देखेंगे फिर इसकी कटोरी जो कैसे कटिंग करते हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि एक बार के लिए हम इस लेंथ को फोल्ड कर देते हैं। ये जो हमारे नीचे की फोल्डिंग है इसको मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है, ठीक है। और फोल्डिंग आपको इसके अंदर भी जितना आपने इसके अंदर जैसे फोल्ड किया तुरपाई रखते हो तो रखोगे तो आपको इसके अंदर भी उतना ही एक्स्ट्रा लेना होगा। जैसे ये फोल्डिंग हो गई है और उसके बाद में ये हो गया फोल्डिंग पॉइंट। यहाँ पे हम इसकी ड्रॉ कर लेते हैं और इसको भी हम फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमें ये लगभग 1.5 इंच यानी 2 सिलाई का हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये मैंने ले लिया 2 सिलाई का यहाँ पे एक्स्ट्रा, क्योंकि आप जो पेपर पे कटिंग करोगे वही आप ब्लाउज पे कटिंग भी करोगे। तो ये ले लिया एक्स्ट्रा। मैंने इसकी लेंथ को भी फोल्ड कर दिया है तो मैंने इसकी लेंथ को भी यहां पे मैं फोल्ड करूंगी। तो मैंने दोनों पार्ट्स की जो लेंथ है वो यहां पे देखिए इसकी भी नीचे फोल्ड कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम ब्लाउज के अंदर भी तो ऐसे ही फोल्ड करेंगे ना, तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। हमारे दोनों की जो लेंथ है वो एक्स्ट्रा थी, साथ में ले ली है फोल्डिंग और इसको फोल्ड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल इसके बराबर में ड्रॉ करना है। तो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है और इस पॉइंट से यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे मैंने नेक की चौड़ाई का पॉइंट भी लगा दिया है, ठीक वैसे ही जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही यहाँ पे भी करना है। अब इसकी जो थोड़ी सी, क्योंकि हम आगे की साइड में इसकी जो थोड़ी एक्स्ट्रा लेंगे वो मैं आपको बता दूंगी अभी या अब हम इसके अंदर लेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हल्का सा, वैसे जरूरत नहीं होती है कटोरी के ब्लाउज में। जैसे हमारी बैक साइड होती है वैसे ही हमारी फ्रंट साइड भी होती है कटोरी ब्लाउज के अंदर, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं होती। ये बिल्कुल बराबर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब इस पार्ट को हम हटा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये था बैक साइड का आर्म होल, हमें क्या करना है फ्रंट साइड का आर्म होल बनाना है। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं और यहां से हम अपनी फ्रंट साइड के लिए इस तरह से गोलाई लगा देंगे, क्योंकि सबके पास में सब जो हमारे टूल्स होते हैं वो नहीं होते हैं सिलाई के, तो इसलिए अच्छा है कि आप घर पे सीख रहे हो तो हाथों से ही इस तरह से गोलाई देना भी सीखें ताकि बहुत ही परफेक्ट आपका ब्लाउज बनेगा। ये हो गई है हमारी गोलाई। यहां से मैं कटोरी ब्लाउज के लिए यहां से आपको साइज मार्क ना दिखे इसलिए मैं ये जो मार्किंग व्हाइट कलर है इसका यूज कर लेती हूं। तो 28 साइज के लिए नेक रखेंगे हम 5 इंच का, नेक की चौड़ाई रखेंगे हम 2.25 इंच की और फिर ऐसे ही फ्री एंड से फिर से नेक की गोलाई लगा देंगे। तो आप देख सकते हो नेक यहाँ पे गोल हो गया है, नेक हो गया। अब आपको क्या करना है, टक्स पॉइंट देखना है। सबसे यहाँ पे अहम बात है टक्स पॉइंट की। यहाँ पे आपको इस साइज के अंदर जो फुल ब्रस्ट होता है वहां पे टक्स पॉइंट होगी लगभग 8.25 इंच पे। हम यहाँ पे टक्स पॉइंट पे पॉइंट लगा देते हैं
जो हम कटोरी की कटिंग करेंगे वो हम लेते हैं चेस्ट का थर्ड भाग। यहाँ पे चेस्ट का थर्ड भाग आता है 1.25 इंच। अब हम 1.25 इंच पे कटिंग करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी फोल्डिंग भी है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 9.5 इंच, ठीक है। और अब आपने जो ये एक्स्ट्रा लिया है, देखिए अब एक महत्वपूर्ण बात है, इसको थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। 0.25 इंच लिया है, इसको दो भागों में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ये दो हो गया। ऊपर का जो एक सिलाई का है यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, ये इतना, ठीक है, सिलाई का। अब यहाँ पे हम ये पॉइंट लगा देते हैं, सीधी लाइन हमें ड्रॉ करनी है कटोरी ब्लाउज के लिए। यहाँ पे हम मार्जिन की, जो हमारा मार्जिन था उसकी भी यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं, ताकि हमें समझने में दिक्कत नहीं आई। अब देखिए फिर से एक बार देखिए, यहां से ये हमारा टक्स पॉइंट था, मेन पफ, और ये है हमारी कटोरी की कटिंग की लाइन। कटोरी की कटिंग शोल्डर से चेस्ट का थर्ड भाग, प्लस ये जो सिलाई का होता है दोनों पार्ट्स को ज्वाइंट करने वाला, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, एक पार्ट्स का ऊपर में ले लिया, एक पार्ट्स का हमारे नीचे की लेंथ में रह गया, ठीक है। थोड़ी सी यहां से गोलाई लगा देते हैं, हल्की सी, ये होगी गोलाई। अब कटोरी को कितना लेना है, इस साइज के अकॉर्डिंग हम लेंगे 4.25 इंच की कटोरी, यहां से भी 4.25 इंच, नेक लाइन से लेंगे हम, देखिए यहां पे ये 2.25 का पॉइंट है, ये लगा दिया 2.25। अब आप अच्छे से समझ भी गए होंगे कि 2.25 क्या होता है, 2.5 क्या होता है, क्योंकि कल मेजरमेंट के जो मैंने फर्स्ट था उसके अंदर सभी पॉइंट्स जो है अच्छे से समझाए हैं। इस तरह से अब आपको जो आपने पॉइंट्स लगाए हैं उनके अंदर ऐसे मिला देना है। ये है वेस्टेज पार्ट्स, ठीक है, इसको तो हम निकालेंगे, इसको निकाल करके ओरिजिनल कटोरी में आपको कटिंग करना बताऊंगी। छोटी सी साइज में है, बिल्कुल जो छोटा साइज होता है 28 का, तो पार्ट्स जो है उनको हम कट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से सारी ब्लाउज का स्टेप से यही होगा, मेजरमेंट चेंज होगा, सभी के अंदर हमारी ब्लाउज की कटिंग का जो मेजरमेंट है वो चेंज हो जाएगा। ये जो वेस्टेज पार्ट है इसको हमें इस तरह से निकाल देना है, ये देखिए। और इसी से मैं आपको ओरिजिनल कटोरी की अब भी कटिंग बताऊंगी, यहां पे हो गया है। अब हम इसकी भी कटिंग करते हैं, जैसे आप ये पेपर फर्मा कटिंग करते हो उसी पेपर फर्मा कटिंग से आपको ब्लाउज की पीस पर रख करके कटिंग करनी है। उसके बाद आपको हाथों से कच्ची सिलाई लेनी है, उसके बाद आपको अच्छे कपड़े पे बढ़िया सिलाई करनी है। तो ये देखिए ये तीन पार्ट्स होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, हमारे ब्लाउज के आगे के तीन पार्ट्स होते हैं। एक है ये तीरे का पार्ट्स, ये है क्रॉस पट्टी, और ये होता है कटोरी का पार्ट्स। अब हम कटोरी का ये जो पार्ट्स है इसको परफेक्टली आपको कटिंग करना बताते हैं। सबसे छोटा साइज ये लिया है मैंने पेपर, और इस पे हम इसकी कटिंग करेंगे। इससे पहले इन दोनों पार्ट्स को हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये रखेंगे, अब इस पार्ट्स के बिल्कुल बराबर में हमें ड्रॉ करना है। इस तरह से आपको इसको रखना है, देखिए आप देख सकते हो मैंने इसको उरेप में रखा है। उरेप पे ही थोड़ा सा उरेप होता है, बिल्कुल उरेप होने से कटोरी जो है ना वो एकदम से झोल आने लगता है उसके अंदर, उसका और छोर कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से मैं इसको बिल्कुल बराबर के अंदर ड्रॉ कर लेती हूँ। आपको क्या करना है, ऐसे रखना है बराबर में, और इसकी साइड में
लाइन ड्रॉ कर दी है। इसी तरह से इस तरफ भी हमें इसके बिल्कुल इस तरह से बराबर में चलते हुए यहां तक लेके आना है। इसके बाद में आपको इसको यहां तक लेके आना है। फिर ये जो राउंड शेप है ये देखिए, ये इसके बराबर में ड्रॉ हो गया है। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये है नेक लाइन की साइड, ठीक है। नेक लाइन की साइड पे हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। बहुत छोटी साइज है तो छोटा ही टक्स होगा, तो ये है आधा इंच। इस तरफ भी मैं उतना ही बढ़ा देती हूं, ये है आधा इंच। अब इनका हमें सेंटर पॉइंट लेना है, तो 4.25 इंच का सेंटर पॉइंट कितना होगा भाई, 2 इंच प्लस 1। ये 2 इंच के बीच में जो ये एक छोटी सी लाइन है ना, ये होगा इसका सेंटर पॉइंट। तो ये देखिए, ये यहां पे इसका आ गया सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से भी हम इसको आधा इंच नीचे कर देते हैं। ये हो गया है इसका आधा इंच नीचे। अब आप इस सेंटर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट में इस तरह से मिला दीजिए। इसके लिए हमें स्केल की जरूरत होती है। अब आप इसको ऐसे देखिए, हो गया है सेंटर पॉइंट में। इसी तरह से इस सेंटर पॉइंट को भी हमें इस सेंटर पॉइंट में ऐसे मिला देना है। बिल्कुल बराबर में हो गया है। ये जो आपकी नेक लाइन की साइड है, थोड़ा सा इसको आगे करेंगे और ये जो नेक लाइन के ऊपर की साइड है इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर करेंगे, चिकने की सिलाई होती है। अब इस पॉइंट को यहां पे पॉइंट लगा देंगे और इस पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से आपको मिलाना है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसको इसके अंदर मिलाना है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ऐसे करते हुए पहले इस तरह से नीचे की ओर जाना है। ये हो गया, हो गया। अब ये आपकी कटोरी बिल्कुल 28 साइज की हो गई है। अब आपको इसके अंदर टक्स कितना लगाना है, टक्स कितना आया था एक बार के लिए मैं आपको, यहां पे ये पॉइंट था, ठीक है ना, यहां से ये पॉइंट देख लेते हैं कि टक्स पॉइंट में कितना आया था 2 इंच का। तो यहां पे हम 2 इंच का टक्स लगाएंगे, 2 या 2.25 इंच का आप यहां पे टक्स लगा सकते हो। मतलब टक्स की जो लेंथ है वो आपकी इतनी होनी चाहिए। इसकी चौड़ाई आपको हल्की सी, जैसे हम डार्ट लगाते हैं ना बैक साइड की या आगे की, आधा आधा इंच की, टोटल 1 इंच लेते हैं, उसी तरह से मैंने इस टक्स को बहुत छोटा किया है, क्योंकि सबसे छोटा साइज है और इससे छोटा साइज कटोरी का कोई भी नहीं होता है। ये सबसे छोटा साइज है और छोटे साइज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये लगेगी टक्स। अब ये बिल्कुल आपकी कटोरी 28 साइज की तैयार है। इसको हम आपको भी ऐसे ही करना, देखिए कागज पे ऐसे इसको कट कर लेना है और उसके बाद में आपको कैसे सीलना है, कैसे, आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हो और आप हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, वहां पे भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको सभी ब्लाउज की कटिंग के साथ साथ एक एक स्टेप्स की सिलाई भी बताऊंगी कि आपको परफेक्टली सिलाई कैसे करनी है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई इस कटोरी की। तो मैंने आपको 28 साइज की यहाँ पे कटोरी की जो कटिंग वो बता दी है। अब इसकी सिलाई थोड़ा सा हल्का सा हम जरूर देखेंगे यहाँ पे कि सिलाई होने के बाद ये जो कटोरी का पार्ट्स है ये कैसे दिखता है। तो इसको आपको ऐसे ही करना है, देखिए इस पार्ट्स को यहाँ पे आपको मेजरमेंट देखते ही पता चल जाएगा कि आपने सही कटिंग किया भी है या नहीं किया है।
बीच सेंटर से इसको फोल्ड किया, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे बाहर आ रहा है, इसको इस तरह से बराबर किया, बिल्कुल सेंटर में है ये लाइन, ऐसे फोल्ड किया और जो आधा इंच था उसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखिए ये हो गया ना। अब ये आपकी 28 साइज की कटोरी तैयार है। ये आएगा देखिए, छोटा सा पफ आएगा इसके अंदर और मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ, ठीक है। अब हम इसके पास वाला जो तीरे का पार्ट है वो यहाँ पे लगाएंगे। देखिए कितना बढ़िया पफ बन रहा है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो अच्छे से, बहुत ही खूबसूरत। और इसके साथ ही हम इस पार्ट्स को भी यहाँ पे आपको लगा करके दिखा देते हैं। ये सब सिलाई होने के बाद ये ब्लाउज की जो टोटल लेंथ आएगी वो ये आएगी। अब आप इसको देख सकते हैं। तो ये था 28 साइज का कटोरी का मेजरमेंट, कटोरी ब्लाउज की कटिंग का और उसकी बाद में उसकी सिलाई का। सिलाई के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि आपको सारे जो वीडियोज आप लास्ट में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वीडियोज आपके पास में है, पहले आप इनको समझ लें अच्छे से, फिर आप सिलाई की वीडियो देखें। अब आप इनको कच्चे सिलाई कर सकते हो। पहले ये सिलाई जो है ये यहाँ पे कच्ची सिलाई कर ली, इसके बाद इस पार्ट्स को इसके साथ में ज्वाइंट करेंगे आप। ये जो तीरे का होता है इस पार्ट्स को यहां से ज्वाइंट कर ले, इसके बाद में आप नीचे क्रॉस पट्टी को ज्वाइंट कर ले हाथों से और कच्ची सिलाई करें, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट की आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे 30 साइज के अंदर कटिंग की ट्यूटोरियल, और वो भी आपको इजी से मैं बताऊंगी, और साथ ही साथ में जो बॉडी का मेजरमेंट वो ज़रूर समझते रहें ताकि आपको हर पार्ट्स का नॉलेज हो, कटिंग और सिलाई का परफेक्टली नॉलेज हो। थैंक यू।